अभी रोहित भाई से वही बात कर रहा था, 30 साल पहले रोहित भाई हमारे साथ यही वर्कआउट करते थे और साथ ही में रहते थे, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, हम लोग दोनों यहीं से शुरू किए और दोनों यहां तक पहुंचे, दोनों मैं भी मिनिस्टर बन गया। ये तो भाई एनर्जी देखे, आज तो आप लोग की एनर्जी बढ़ी हुई थी मेरे ख्याल से इनके वजह से। भाई क्या रात में और दिन में, मतलब इतनी एनर्जी आप समझ सकते हो ना भाई। तो रोहित भाई तो सर्कस बना रहे हैं लेकिन बेसिकली इस इंडस्ट्री के शेर है, शेर है शेर। कोई फिल्में एक जमाने में एक के बाद हार्डली दूसरी हिट हुआ करती थी, नीचे से ग्राफ चढ़ा तो सीधा रॉकेट की तरह जाता है। इसलिए मैं रोहित भाई को और रणवीर भाई को, ये भाई 200 फिल्में बनती है सर साल में और हिट होती है 10, 5, 7, ऐसा मार्जिन है हिट मार्जिन। इतनी एनर्जी है कि पूरा मलाड ढिल गया, आज तो मीडिया में भी बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना, आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आज तो, इधर तोड़फोड़ चल रही है, कैमरास गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बट बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड। क्या हुआ? हमारा परफॉर्मेंस लास्ट वीक था, आज हम होस्ट करने आए मलाड मस्ती और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इस अपॉर्चुनिटी को हम दोनों को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, एक्सपीरियंस करते हैं अभी तो लास्ट टाइम से क्राउड, आज कुछ ज़्यादा ही हाइप्ड है, बट यू नो एमएमए बंटा है ऑब्वियसली, बट उन्होंने पूरा हाइप कर दिया मामला, पूरे मलाड मचाएंगे तो सच में मचा दिया, बहुत अच्छे से मचाया, बट अभी और मजा आने वाला है बिकॉज रणवीर सिंह आर अबाउट टू कम एंड रोहित शेट्टी आर अबाउट टू कम, सो इट्स लाइक वी आर वेटिंग फॉर देम एंड वेरी एक्साइटेड। चिंकी पिंकी ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से ऑडियंस आज आमिर को देखते हैं, जिस तरीके से क्रेज था, आप लोग कितने क्रेजी थे? हम भी ज्यादा क्रेजी थे, हम अपनी चेयर से उछल उछल के उन्हें मचाएंगे, डांस कर रहे थे, जैम कर रहे थे, बहुत मजा आया एक्चुअली। वेल एवरी संडे हम देख रहे हैं कि आप ऑडियंस को बहुत ज्यादा लाइक एंटरटेन कर रहे हो, आप क्या चाहते हो और भी कौन आए एंटरटेन करने के लिए? अभी भारती मैम ऑन स्टेज जाने वाली है, लाफ्टर क्वीन ऑफ इंडिया, और क्या चाहिए, अब आप सब हंस हंस के पागल होने वाले हैं। हम फॉलो एक्चुअली हम सुनते सब हैं, अभी हमने सुना है गाने जो चल रहे हैं बहुत सारे, बट हसल में काफी गाने हिट हुए हैं, सारे रैप आजकल ये रैप बहुत चल रहे हैं, बहुत हिट हुए हैं, वी आर लिसनिंग टू दोस्त वेरी वेल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू। जब भी हम लोग मलाड मस्ती आते हैं, मलाड मस्ती में जितने भी मलाड के लोग हैं और जितना भी यहाँ पे क्राउड आता है, उनमें एनर्जी बहुत होती है और बहुत मज़ा आता है सबके साथ इंटरेक्ट करने में। और इस बार इस इवेंट का जो सबसे मेन टॉपिक था वो है चाइल्ड अब्यूज को लेके, जो कि अभिषेक आप लोगों ने भी परफॉर्म किया, मैंने ख़त्म नहीं किया अभी, इट्स ओके। सो बहुत ही नोबल कॉज है असलम सर ने जो लिया है चाइल्ड अब्यूज़ को लेके, कि हम सबको यू नो चाइल्ड अब्यूज़ अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ, सबसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। चाइल्ड अब्यूज जैसे मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात की जा रही है, कितना जरूरी मानते हैं आप इस तरह का अवेयरनेस? बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा जो मैसेज दिया जा रहा है मलाड मस्ती जैसे इतने बड़े इवेंट के द्वारा, असलम सर के द्वारा, जो चाइल्ड अब्यूज है ये बहुत हमारे जो समाज में ये जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लोग शर्माते हैं, मेरे ख्याल से सबको ये अवेयर होना चाहिए, हमारे घर में भी हम सबको अपने बच्चों को अपने से छोटों को ये समझाना चाहिए, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टू टॉक अबाउट इट लाउडली, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू असलम सर फॉर दिस अमेजिंग इनिशिएटिव। आपका अनुभव किस तरह रहा क्राउड में परफॉर्मेंस करने का और क्या सक्सेस का कारण मानते हैं मलाड मस्ती का? मैं पहली बात तो सक्सेस का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि ये 5वां साल है मलाड मस्ती का और हम सब क्राउड देख सकते हैं, कितना अच्छा क्राउड आया हुआ है, कितने अच्छे लोग आए हुए हैं और इतने नोबल कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मलाड मस्ती एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड असलम सर फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। साथ ही लास्ट में हमने देखा आप दोनों का परफॉर्मेंस, वैसे ही जानना चाहेंगे कि कब आप दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट में दिखने वाले हो? बस आपकी बात जो है हो जाए सर, हम भी दिख जाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा एक साथ पर्दे पे दिख के एंड बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आपकी मूवी भी आ रही है, सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कुछ कहना चाहोगे? मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी मूवी के लिए, किसी के भाई किसी की जान भाईजान के लिए, बस अगले साल का वेट कर रहा हूँ, अप्रैल ईद में आएगी तो सुपर डुपर एक्साइटेड। वेल बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो आप? मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ। एनी कंटेस्टेंट्स होम डू यू नो?
फिलहाल जितना मैंने अभी बीच बीच में देखा है, मुझे सब में से अब्दू और एमसी बहुत अच्छे लगते हैं। अब्दू मुझे बहुत क्यूट लगता है, सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी नाइस एंड फेयर गेम, तो मतलब उतना ही फॉलो किया है तो मेरे हिसाब से तो अभी मेरे फेवरेट हुए। लास्टली क्रिसमस एंड न्यू ईयर, एनी विशेस टू ऑल द फैंस? हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, नया साल आ रहा है, अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस बनाइए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे रेजोल्यूशंस बनाइए, उन्हें कंप्लीट कीजिए और 2023 को अपना बनाइए। हेलो हेलो, पहली बात तो इट्स एन अमेजिंग इनिशियलाइजेशन बाय हमारे असलम जी। असलम जी बहुत ख़ास भाई हैं मेरे, मेंटर हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज का मुद्दा हम लोग आज आए हैं, ये पिछले 5 साल से चल रहा है एंड इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। एज यू कैन सी के क्राउड जिस हिसाब से संडे मॉर्निंग उठ के आता है, इट शो गोज टू शो के हाउ मच दे लव दिस इवेंट। और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में जो आज हमारा ये ड्राइव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में हमारे यूथ कैन ओनली मेक द डिफरेंस, क्योंकि जो आने वाली हमारी जनरेशन है, दैट इज़ आर यूथ एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू टेक द लेगेसी अहेड। जो भी हमने आज तक किया है, जो भी हमने हमारे देश को आज तक बनाया है, वो हमारी यूथ आगे लेगेसी लेके जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम हियर टू सपोर्ट दैट। वेल, बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई जस्ट कैन टॉक अबाउट इट क्योंकि मैं एक फाउंडेशन में हूँ, बट द ऑडियंस विल सी मी एंटरटेनिंग देम अ लॉट दिस ईयर इंशाल्लाह। सो हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पिकी एंड चूजी हूँ, बट यस इंशाल्लाह यू विल सी मी इन अ रियलिटी शो टू। नहीं यार, क्या है ना, मैं अपने आप को अभी भी उतना काबिल नहीं मानता कि मैं बैठकर किसी और को जज करूं, ये लोग मानते हैं कि मैं काबिल हूं, तो लेट्स सी, व्हाटएवर आई फील आई विल डू इट। फॉर ऑल द फैंस फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेटिंग द हॉलीडेज, बी सेफ, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, स्प्रेड अ स्माइल, क्योंकि द स्माइल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी, सो कीप स्माइलिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड मॉर्निंग, पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी, आप लोग सुबह सुबह से यहाँ पे आए, वो भी रविवार को, संडे को, सो थैंक यू आने के लिए। एंड फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ एनिवर्सरी है, और एक गैप के बाद मलाड मस्ती आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं हिस्सा बन पाई। एंड थैंक्स टू असलम जी, उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। एंड हमेशा एक स्पेशल कॉज के लिए होता है, इस बार चाइल्ड अब्यूज़ के लिए है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी पब्लिक है और कुछ लोग यहाँ सुबह 5:30 बजे से आए हैं। तो यू नो, ये एनर्जी देख के, वो एक अच्छे कॉज के लिए, वो भी संडे को सुबह सुबह, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग अस, एंड थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। जी सरप्राइजेज जो आ रहे थे उन्हें मैंने मना कर दिया, तो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे एक रियलिटी शो में, वो अभी नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा किसी चीज़ की शुरुआत करो तो बिगनिंग से करना चाहिए, बीच में क्या है। और बाकी जो मेरी सीरीज़ आ रही है वो जनवरी में है और दिसंबर, और अभी मेरे गाने को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, दुआ करो को, तो थैंक यू गाइज, हमेशा मज़ा आता है, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। कुछ भी, मेरा लुक आप लोग को बहुत अच्छा लगा, पहली बार एक मुस्लिम लुक था मेरा, एंड वो नमाज का लुक सबको बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू, एंड ऐसे ही कुछ नया नया देखते रहेंगे आप लोग, थैंक यू। यार मैंने इस बार बिग बॉस काफ़ी कम फॉलो किया है, एंड मुझे लगता है इस बार बिग बॉस का बस मुझे थोड़ा पर्सनली कम लगा, एंड काफ़ी कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, अभी कुछ वाइल्ड कार्ड्स तड़का लगाने के लिए भी आ गए हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुछ लोगों का गेम, एंड आई होप, देखिए मे द राइट पर्सन विन। जो अगर सुन रहे हैं वो मौका दें तो प्लीज़ वाइल्ड कार्ड में ना दें, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड में तो नहीं आऊँगी, सो थैंक यू, बट हमेशा बिग बॉस वालों को एंड एंडमॉल वालों को हमेशा मुझे याद करने के लिए, बट मौका मिलेगा तो जाएंगे, पर डे वन से, बीच में नहीं। मेरी मेरी क्रिसमस गाइज, यही वाइब रखी है, फाइनली लॉकडाउन के बाद हम लोग ये चीज़ें बाहर आके सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, सो मेरी क्रिसमस इन एडवांस एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज, हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर, लव यू ऑल, देन अ प्लेजर, इट वॉज अ प्रिविलेज टू बी हियर, नॉट बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट्स और वट एवर, बट बिकॉज आई वॉज एबल टू अड्रेस सच एन एंथुजियास्टिक क्राउड दैट वी हैव बैक देयर, इट्स द मोस्ट अमेजिंग क्राउड आई एवर हैड इन माई लाइफ, आई बीन टू अ लॉट ऑफ इवेंट्स, but Malad Masti is on a different level.
I think it's not only representing the enthusiasm of India, but I think it could just reach Asian level very soon. So yeah, my friend Shekhar is one of the organizers, and Aslam sir, I think he's doing incredible that he's always done. So yeah. Oh, I was the one who felicitated him, and when I got to know about it, I was really enthusiastic about it because I was looking forward to it. I've been a huge MEWA fan. In fact, let's hope I get featured in one of his videos. Oh yes, my web debut has just released. It's called Tu Zakhm Hai on MX Player, and my Hindi feature film as a debutant, as a lead, will be out in a couple of months. It's called Leela Manju. So I'm really looking forward to it. It's actually India's first film on drag race and LGBTQ community, which majorly needs a representation these days. So I'm really looking forward to its release. Thank you so much. Yes.